अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों क्या जबरदस्त धमाकेदार मैच हुआ जिसमें जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है वो लाहौर कलंदर के दरमियान मैच हुआ। दोस्तों रानों का मैच था रानों से, फवाद राणा की टीम ने टक्कर दी थी राणा फहीम की टीम को, रानों की टीम को टक्कर दी रानों की टीम ने। एक राणे जो थे वो हार गए, दूसरे राणे जो थे वो जीत गए। जो राणे ज्यादा बातें कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो राणा फहीम अशरफ है, राणा आजम खान है, राणा टोनी है, राणा हमारे पास आसिफ अली है, राणा जो है वो शराब खान है, उस टीम को जो है वो हरा दिया फवाद राणा की टीम ने जिसको लीड कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। दोस्तों आजकल शाहीन शाह अफरीदी क्या जबरदस्त जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो लग रहा है कि बॉल नहीं करवा रहे हैं, वो तो रॉकेट करवा रहे हैं। इतनी तेज बॉल कर रहे हैं, इन स्विंगिंग यॉर्कर मार रहे हैं और नेले पे धैला फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा क्या जबरदस्त धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्हीं के इलाज करके उनको जो है वो वापस भेजेंगे। जिस तरह का इलाज इस्लामाबाद यूनाइटेड बाकी टीमों के साथ करती है, वैसा ही इलाज शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने जो है वो रानों के साथ किया। दोस्तों कल का मैच बड़ा ही शानदार था। लाहौर कलंदर ने जो है वो टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये सोचा उन्होंने कि हम एक अच्छा हदफ जो है वो लगा दें बोर्ड पे। बाद में इनके पास जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जैसी बॉलिंग है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, राशिद खान है, ये सब जो थे वो प्लेयर इनकी टीम के बॉलिंग लाइनअप में थे। तो दोस्तों इन्होंने जो है वो मैच का आगाज किया। मैच का आगाज हुआ तो फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, ताहिर बेग ने जो है वो बहुत जबरदस्त बैटिंग की। उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने आके बहुत तेज जो है वो स्कोर किया। दोस्तों अब्दुल्ला शफीक ने जो है 45 स्कोर किया 24 गेंदों पे, जबकि फखर जमान जो थे उन्होंने 36 स्कोर किया 23 गेंदों पे। इसके अलावा सैम बिलिंग्स, उन्होंने भी जो है वो कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी से, जिस तरह की बैटिंग ऊपर वाले टॉप ऑर्डर करके गए वैसे ही मैं करूंगा। उन्होंने भी जो है वो 33 स्कोर किया 23 गेंदों पे। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर रजा ने भी जो है वो 25-30 स्कोर उन्होंने भी किया, राशिद खान ने भी किया। इस तरह किसी भी प्लेयर ने 50 नहीं की, लेकिन जिस भी प्लेयर ने आगे खेला उसने तेज स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो मैच खेला। इस तरह जो है 220 ओवरों में लाहौर कलंदर ने 201 स्कोर का जो है वो टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जब इस्लामाबाद की बारी स्टार्ट हुई तो इस्लामाबाद ने जो है बड़ा अच्छा आगाज दिया। पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने को जो है वो 14 स्कोर लग गया और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो विकेट ना ले पाए। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बड़ी तेज गेंदबाजी कर रहे थे, इन स्विंगिंग बॉल कर रहे थे, लेकिन राणा गुरबाज और राणा कोलिन मुनरो दोस्तों दोनों ने ही जो है बड़ी अच्छा आगाज स्टार्ट दिया और 30 स्कोर का स्टार्ट दिया। उसके बाद क्या था कि एक आए दूसरा जाए, एक आए दूसरा जाए, यही चलता रहा और इस्लामाबाद की पूरी टीम जो है वो 90 के स्कोर पे आउट हो गई 200 चेस करते हुए, जिसमें जो है वो गुरबाज के 23 स्कोर हैं, मुनरो के 18 हैं और टॉम करन के 10 स्कोर हैं। इसके अलावा कोई भी प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। क्या आसिफ अली, क्या आजम खान, क्या शदाब खान, क्या जो है वो बाकी इनके प्लेयर्स, कोई भी जो है वो ना चल पाया और लाहौर कलंदर ने जबरदस्त बॉलिंग से जो है वो अपनी मैच जीता, 90 के स्कोर पे इस्लामाबाद को आउट कर दिया। तो डेविड वीजा ने जो है वो 17 स्कोर देकर 3 विकेट ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा सिकंदर रजा ने जो है वो 6 स्कोर देकर 2 विकेट ली। इसके अलावा राशिद खान ने जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 8 स्कोर देकर 2 विकेट ली। और इस्लामाबाद की तरफ से टॉम करन ने जो है बड़ी अच्छी गेंदें की, 34 स्कोर देकर 3 विकेट ली। शदाब खान ने 34 पे 2 विकेट ली और इब्रार अहमद को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मार पड़ी, इन्होंने जो है 50 स्कोर देकर 1 विकेट ली। दोस्तों ये मैच बड़ा ही शानदार रहा, रानों को याद रहेगा राणा की मार। तो दोस्तों आप बताएं हमें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि तमाम न्यू आने वाली मालूमात जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।